बारिश के दम रहा हड्डी का तो बहाई दे नहीं है तुमको सोझे पैर खाली मालूम है हमको तो वही के बैठे हैं कौन लंटू से डालते हैं कौन छाटा छाटा जो बैठ रहे थे कौन लंटू काट डालते हैं काटे डालते बैठ वारिस तुम तकलीफ तुम तो कौन ना है तो तुम्हारे कौन तरह सार कुछ कर जिंदा वाले बात में क्या दो लोग बात है तो का बोलिए साथ कुछ खा दिया कोई डर क्या आएगा निकली ना है तुम का निकलना ना मीडिया वाले अभी पर 8 साल बना 9 साल पंखी कितना भर रहा है 12 सपा गवर्नमेंट बनी तब शुरू हुआ बनेगा तो बाबा ठाकुर ढंग रहा यार तुम बोल दिए है तो है ऐसे तो करने तो बहन तो और ये चार्टर पर हां अब जहां से आगे से पत्ता नहीं बनना था फिर उसका बजट नहीं बोल बोल के देख लो पत्ता तक पर लग गया कि हिलना तक था कहां बनाओगे इससे पहले कटा रहा है ये पैसे दे रहा लूट जहाँ जा पाई तैसे फट गई अगर बीस जैसे सपोर्ट न पाई तो फिर फट गई अगर ये दाँतियाँ थी बल्ले दी गाड़ी आते जले सपोर्ट पूरा यही लाया जहाँ तक दाँती कम सबके प्लेट फर्म पे तो खड़े हो और जहाँ ये नहीं होता वहाँ तो आदमी को ये देखे वीडियो कैमरा में रखा है सब लोग तमाम लोग पहले अपना नाम बताइए विजय कुमार वर्मा जी क्या समस्या है समस्या है मेरे यहाँ पुल ये गड़ी घाट का जी 2007 में बसपा गवर्नमेंट में बना था जी 6 साल में बनकर कंप्लीट हुआ जी इसके बाद 2007-13 6 साल तक लगातार इसकी पिच कट रही है जी और यहाँ जो है अधिकारी कर्मचारी ठेकेदार सब पैसा पूरा खा लेते हैं जी और कोई कार्रवाई नहीं होती है हम लोग यहाँ बहुत मतलब बाढ़ से पीड़ित सर इस समय भी पुल कट रहा है इस समय कट रहा है कल रात में हल्की सी बाढ़ आई थी जी फिर कट गया 8 साल से रुपए खा था अपना नाम बताइए सर हमारा नाम है फिरूलाल जी क्या समस्या है ये पुल जो है 8 साल से जो है कट रहा है यहाँ रुपए सब लोग निखार खा रहे हैं जी बनवा नहीं रहे जी जी बनवाते नहीं है खाती खाली आते हैं तो बोरी नवा के 2-4 ठोरी चले जाते हैं यहाँ से जी इस पर हमारे लोगों के सर इस पुल के वजह से आपका गांव का भी दिक्कत काफी बड़ा है जी बहुत परेशान है हम लोग पुल कट जाने के बाद में आपका गांव भी खतरे में है और ना यहाँ कोई दखार कोई नहीं है विधायक हैं कामामा हमारे हैं सब देखभाल के सब वापसी घर हो जाते हैं लगा दे लेबर लगा दे 2-4 ठो 250 रुपए देते हैं और 2-4 बोरी नहीं अपने घर में बैठे हैं सर कोई कर्मचारी आया सब खा खा के अपने घर में बैठे हैं सर कोई कर्मचारी आए यहाँ पे जांच करने के लिए आते हैं और देख कहाँ चले जाते हैं बस हम बताइए रामसाद वर्मा जी क्या समस्या है ये पुल 2013 में बनकर तैयार हुआ था जी तब से आज तक बार बार कट रहा जी मिट्टी छलाई जा रही है जी और फिर वो बरसात में भीषण भयंकर जो है वो प्रकोप पैदा कर देता है जिससे रामपुर धोबिया से लेकर और बधवा बांध तक आने जाने का सब ठप हो जाता है जी। पैसा जो निकलता है जी। वो सब जे इंजीनियर सब खा करके मस्त बैठ जाते हैं जी। आज भी हमारे ग्राम सभा की प्रक्रिया है आने जाने का सारा रास्ता ठप है जी। और यहाँ कोई
प्रशासन सुनने वाला नहीं है। हम लोग हंगामा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है। माता जी अपना नाम बताइए। कुंती देवी जी, क्या समस्या है? सर ऐसा है, देखो क्या समस्या है, घर कट रहा है, गांव कट रहा है, पुल कट रहा है जी। कोई बैठे ठिकान नहीं रह जाता है जी। और चार साल से पुल बन रहा है, रुपया खाते चले जाते, मैं कुछ करते नहीं है जी। हाँ और जो नवा थे रुपया खा ली, मैं झूसर वहाँ कांदर के माटी छोड़ाते हैं जी। और भट्टा पर का वो